जैसे और भी विपक्ष के नेता है, तो ऐसा कहा गया कि राजनीतिक लोगों ने इस धरने को जो अपने काबू में ले लिया। अब चंद्रशेखर आए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं उनकी भी क्या इच्छा है, कौन सा पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं वो, कि भीम आर्मी जो है वो सिर्फ जो है दलितों के हकों के लिए लड़ती है। तो क्या मतलब जो इस तरह का जो कन्फ्यूजन होता है, जो इस तरह के सवाल होते हैं, उनका जवाब क्या रहेगा? लाठीचार्ज किया गया, काफ़ी ऐसी बेटियों के बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए थे यहाँ पर, मगर प्रशासन ने आप देखे सदन चला था उस दौरान भी यहाँ पर देखा नहीं उन्होंने, मगर वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल के आया, वो चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम सोनिया सतानीता है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे साथ आप देख रहे हैं ये तमाम भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। चूंकि इस पूरे धरने को एक तरह से कहा जा रहा था कि जाटों का धरना है या जाट वर्सेज राजपूत वाली जो है, हम लगातार कंट्रोवर्सी देख रहे थे सोशल मीडिया पे भी, तो कई तरह की जो है इस मामले पर जो है कंट्रोवर्सीज हो रही थी जातियों को लेकर। तो जब से भीम आर्मी के चीफ यहाँ पर आए हैं तो हम देख रहे हैं कि एक नया उत्साह भी यहाँ देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। चूँकि ये भीम आर्मी से जुड़े लोग हमारे साथ हैं, भाई ये बताएँ कि आप सारे यूपी से आए हैं? हाँ, ज़्यादातर यूपी से हैं और दिल्ली से हैं, वैसे पूरे भारत से ही आए हुए हैं लोग आ रहे हैं। और अभी 21 तारीख का भाई ने वादा किया है, 21 को पूरा भारत यहाँ उमड़ पड़ेगा। अगर हमारे भाई एक बार बोल दें किसी चीज़ को तो उसे हम अपनी आन बान शान समझते हैं। फिर तो आप कब तक रुकेंगे यहाँ पर जो भीम आर्मी के तमाम? साफ नहीं मिल जाता हमारी बहनों को तब तक रुकेंगे? तो लंबा धरना टिकेगा? बिल्कुल टिकेगा, सरकार की चूल्हे हिला देंगे। सरकार को पता है कि ये हटेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे, बैठे रहेंगे ये। और ये और है कि हम अहिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं, हिंसा भी नहीं करते बिल्कुल, हम कहीं लड़ाई झगड़ा तोड़फोड़ कुछ नहीं करते हैं, हमारी लड़ाई जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक होती है। अच्छा, चंद्रशेखर के आने के बाद यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ पुलिसिया चौकसी बढ़ा दी गई है, वो उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनके समर्थक जो हैं पूरे भारत में है ना, हम ऐसा समझते हैं कि वो हमारी हमें देते हैं सुरक्षा और हम उनके लिए कवच की तरह काम करते हैं, हम उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता ऐसे। तो सरकार को लगता है कि जरा भी कोई बात नहीं हुई तो ऐसा ना हो कि कुछ हिंसा फैल जाए या कोई बात हो, जबकि ऐसा हमारी तरफ से कभी नहीं होता। जो भी अगर कभी कहीं कुछ हुआ है तो इनकी सरकार के लोग ही करते हैं ये सब। अच्छा, ये धरने में जैसे और भी विपक्ष के नेता है तो ऐसा कहा गया कि राजनीतिक लोगों ने इस धरने को जो अपने काबू में ले लिया। अब चंद्रशेखर आए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं उनकी भी क्या इच्छा है, कौन सा पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं वो। देखो, चंद्रशेखर तो आए ही इस प्लेटफॉर्म पे हैं बहनों के लिए, वरना कभी दुनिया में चंद्रशेखर पैदा नहीं होता। अगर इस देश में बहनों को इंसाफ दिया जा रहा होता तो चंद्रशेखर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ही एक आदमी है जो बहनों को इंसाफ दिलाते हैं। अभी तक आपने देखा होगा जितने लोग आए वो वाह वाह ही कर रहे होंगे, लेकिन चंद्रशेखर भाई आए हैं तो यही हैं, यहीं पर टिके हुए हैं, अपने घर भी नहीं जाते हैं जी। अच्छा, अपने समर्थकों को उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जब तक आंदोलन या ये धरना नहीं रुकेगा तो तब तक यहीं पर ही रहेंगे वो लोग? वो नहीं कहते हैं किसी से भी, उन्होंने किसी से नहीं कहा कि तुम यहाँ रुको, सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, सब उन्हें इतना प्यार करते हैं कि कोई जाना नहीं चाहता है। जो अगर वो भाई कह दे तो उनके लिए वो पत्थर की लकीर है। हमारे यहीं धरने पे ही रह रहे आप सारे? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं रहेंगे जी। अच्छा, जब आप लोगों ने खबर सुनी पहली बार के देश की पहलवान जो है वो यहाँ पर बैठे हैं तो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो देखो, जब हमारी बहन के साथ कुछ ऐसा गलत होगा तो आपको पता है कि रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन तो हम आग बबूला थे, मगर जब तक हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश नहीं था हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज उन्होंने यहाँ पर आकर बहनों को समर्थन दिया है, तो तमाम जितने भी भीम आर्मी के देश प्रदेश से जो लोग हैं, जो जितने हमारे पूरे भारतवर्ष में संगठन है, वो सब यहाँ पर आएंगे और समर्थन देंगे, और जब तक समर्थन देंगे जब तक बहनों को न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हरियाणा में जो चंद्रशेखर का जो एक प्रभाव है जिन तबकों में है या जिन लोगों में है, वो आए हैं यहाँ और आए हैं तो वो किस तरह से? जैसे हाँ, बहुत सारे लोग आए हैं और कुछ ऐसा है कि जिनको जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वो सब आ रहे हैं, गांव से भी आ रहे हैं। आज जैसे हमारे भाई है अलीगढ़ से आए हुए हैं, तो तमाम बहुत सारी जगह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और जब तक नहीं जाएंगे और जब तक रुकेंगे नहीं जब तक चंद्रशेखर जी यहाँ पर है, और वो जब तक नहीं लेंगे जब तक हमारी बहनों को सम्मान और हमारा उनको न्याय नहीं मिलेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी मैं यही सवाल का जवाब दे रहा था कि जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ अन्य राज्य से भी लोग आए हुए हैं, तो यहाँ अनेकों राज्य से लोग आए हुए हैं, हरियाणा से भी है, पंजाब से भी, उत्तर प्रदेश से भी, दिल्ली से भी हैं, जो अगल बगल के राज्य हैं वहाँ के काफ़ी साथी हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं। और बात रही कि जब यहाँ पहलवानों की हमने सुनी, इनके उत्पीड़न की खबर सुनी, तो हमारा क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ये है कि एक स्वाभिमान की लड़ाई है, एक मान सम्मान की लड़ाई है कि इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलाया जाता है, एक नारा दिया जाता है, और वही बेटियां आज पिछले 25 दिनों से यहाँ न्याय की गुहार लगा रही हैं और प्रशासन और शासन देखने से राजी नहीं है, बल्कि उस आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है और उसके समाज के लोग व जैसे उस मानसिकता के लोग उसे समर्थन कर रहे हैं। अब तक पिछले 25 दिनों से आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि जो यहाँ पर पीड़ित जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज भी की गई थी। तो ऐसा क्यों? ये दो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर संविधान लागू है और सबको अपनी हक अधिकार की बात करना ये संविधान का राइट है जो हमें राइट देता है, तो ये दोहरा चरित्र क्यों है सरकार का? एक सवाल और जरा क्लियर करिएगा कि भीम आर्मी जो है वो सिर्फ जो है दलितों के हकों के लिए लड़ती है, तो क्या मतलब जो इस तरह का जो कंफ्यूजन होता है, जो इस तरह के सवाल होते हैं, उनका जवाब क्या रहेगा? नहीं देखिए, ये मानसिकता है अपनी कि बहुत से क्या है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आता है तो एक विशेष जाति से उसे जोड़ दिया जाता है। मैं आपको पिछले साल की घटना से रूबरू कराऊंगा कि यही वो जगह थी जहाँ SSC GD 2018 के बच्चे जो 54,000 अभ्यर्थी थे जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलती, वो यहीं इसी जगह आंदोलन कर रहे थे और यहाँ पर भी यहाँ देश की बेटियों की ऐसी दुर्दशा आती है, यहाँ पर पुलिस लाठी चार्ज किया गया, काफ़ी ऐसी बेटियों के बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए थे यहाँ पर, मगर प्रशासन ने आप देखे सदन चला था उस दौरान भी यहाँ पर देखा नहीं उन्होंने, मगर वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल के आया, वो चंद्रशेखर आजाद, और आज तकरीबन 4,000 से 5,000 बच्चों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि एक विशेष जाति को संरक्षण दिया जाता है कि विशेष जाति का वो है, हमारे संगठन में सभी जाति के लोग हैं और ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा होगा ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सारी महिलाओं को अधिकार दिए, लेकिन महिला क्या किसी एक जाति विशेष की है? वो तो सभी पूरे भारत में है, हर जाति के, हर धर्म के घर लोगों के घरों में है, तो बहनों को सब जगह दिया। बाबा साहब ने संविधान बना के दिया, संविधान का क्या है एक जाति विशेष का है? नहीं, लेकिन संविधान में अधिकार देखिए सभी को दिए हैं। ऐसे ही चंद्रशेखर भाई हैं, आज की स्थिति में बता दूँ आपको यूपी में ये हाल है कि कहीं पर अगर किसी ब्राह्मण के परिवार को का भी शोषण हो रहा हो, है ना, ऐसा नहीं है कि गरीब वो उनका शोषण नहीं हो सकता, उनका भी हो रहा हो, तो वो भी चंद्रशेखर को बुलाते कि भाई हमारी मदद करो, बताओ क्या तुम्हारे नाम के पीछे तो ब्राह्मण लिखा है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, है? तुम तो थाने में जाइए, जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाइए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि चंद्रशेखर को बुला रहे हैं? तो वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, वो सिर्फ उन मजलूमों के लिए, जो दुखी है, जो परेशान है, जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके लिए है। चलो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।